आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको इंडियन माइनिंग एग्जामिनेशन की अपडेट्स सबसे तेज मिलती रहे। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइंस रूल 1955 का रूल नंबर 29 के एपलेट मेडिकल बोर्ड। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँ कि अगर आपने इससे पहले वाला जो माइंस रूल का वीडियो है जो कि बेस्ड है माइंस रूल 1955 का रूल नंबर 29J मेडिकल री एग्जामिनेशन के ऊपर, वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लें। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, तो उस लिंक पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो और वो वीडियो काफ़ी सारा इंटर रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बोल भी रहा हूँ कि आप वो वीडियो देख लें। तो चलिए हमेशा की तरह देर ना करते हुए कुछ नया सीख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू माइंस रूल 1955 का रूल नंबर 29 की एपलेट मेडिकल बोर्ड, ये एपलेट मेडिकल बोर्ड किस लिए गठन किया जाता है ये तो आपको माइंस रूल 1955 का रूल नंबर जे में पता चल गया होगा। इस रूल में ये बताया गया है कि ये जो बोर्ड होगा एपलेट मेडिकल बोर्ड, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा ये जो एपलेट मेडिकल बोर्ड है इसमें कुल 3 मेंबर्स होंगे। जो फर्स्ट मेंबर होगा वो DGMS में इम्प्लॉयड एक मेडिकल ऑफिसर होगा, इस बोर्ड का कन्वेनर के रूप में काम भी करेगा। इसके अलावा इसमें जो अदर मेंबर होगा वो एक एलोपैथिक डॉक्टर होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश किसी ऑर्गेनाइजेशन के कंसल्ट से चीफ इंस्पेक्टर नॉमिनेट करेंगे। इसके अलावा जो तीसरा जो मेंबर होगा इस पूरे बोर्ड का वो भी एक एलोपैथिक डॉक्टर ही होगा जो किसी सेंट्रल, स्टेट या फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में इंप्लॉयड एक डॉक्टर होगा और जिसकी रैंक असिस्टेंट मेडिकल सर्जन से कम नहीं होगी। तो ये हुए 3 मेंबर्स एपलेट मेडिकल बोर्ड के। अब सवाल ये आता है कि जब भी मेडिकल री एग्जामिनेशन की नौबत आएगी तो क्या इन तीनों मेंबर्स का प्रेजेंट रहना कंपलसरी है या नहीं है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जब भी मेडिकल री एग्जामिनेशन की नौबत आएगी तो 2 मेंबर्स भी अगर रहते हैं इंक्लूडिंग DGMS में एम्प्लॉयड मेडिकल ऑफिसर तो मेडिकल एग्जामिनेशन कर दी जाएगी। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक बात और भी है अकॉर्डिंग टू DGMS सर्कुलर कि नंबर ऑफ जो मीटिंग्स होंगे एपलेट मेडिकल बोर्ड के वो साल में कितने बार होंगे। तो अकॉर्डिंग टू सर्कुलर जो नंबर ऑफ मीटिंग होंगे AMB के मतलब एपलेट मेडिकल बोर्ड के वो 4 होंगे। तो जी हाँ, आज के लिए बस इतना सही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें हमेशा की तरह। अगर आपके मन में कोई भी थाउट है या डाउट है या कोई सुझाव है तो प्लीज़ हमें इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ जाके हमें ज्वाइन कर लो। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलें। अगर आप हमारे बनाए गए प्रैक्टिस सेट को देना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टा मौजूद भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप माइंड की कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो टिल देन एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।